नमस्कार, मैं आरके सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। आप सभी का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। हाँ, और ये ऑफलाइन क्लास ही है, उसी क्लास के अंत में बच्चों को समझाने के बाद ये वीडियो बनाया जा रहा। तो ये हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में मैंने अभी दो क्लासें ले चुका हूँ, मेरी ये तीसरी क्लास है। और दो क्लासों में मैंने आपको संयुक्त राष्ट्र संघ, जो दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उसके बारे में बताया था। और उसकी थोड़ी सी जानकारी शेष बची थी, वो थी आपकी संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव। तो मैं उसको इस क्लास में ले रहा हूँ। और उसके बाद मैं बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जो कहीं ना कहीं से संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़े हुए हैं, उनके सहायक संगठन कहलाते हैं। तो उन संगठनों से क्वेश्चन बनते हैं आपके, या तो संगठन का फुल फॉर्म पूछ देता है, या संगठन की स्थापना कब हुई, संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो उसी को मैं आज बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप इसको देखिएगा, निसंदेह रूप से आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए, हमारी ये सबसे पहले हम लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव, तो UNO का जो सबसे बड़ा पद है वो है आपका महासचिव है। और अभी तक 9 व्यक्ति, अभी तक जो 22 अक्टूबर 2022 की स्थिति के अनुसार 9 व्यक्ति जो हैं वो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बन चुके हैं। तो एक तो क्वेश्चन आपका ये बनता है, फिर आपका बनता है कि UNO के प्रथम महासचिव कौन थे, है ना। तो कौन थे आपके? त्रिग्वेली। और ये किस देश के थे आपके? तो नॉर्वे के थे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे, है ना, तो कौन थे? त्रिग्वेली। फिर एक ऐसे महासचिव थे जिनकी विमान दुर्घटना में जो है वो मौत हो गई थी, एक दुखद मौत हुई थी, पूरा दुनिया में जो है शोक की लहर दौड़ गई थी। तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन महासचिव हैं, उनका क्या नाम है, जिनकी मौत जो है वो काहे से हुई थी आपकी, विमान दुर्घटना से हुई थी। तो वो कौन है आपके? हैमरसोल्ड, है ना। हैमरसोल्ड जो है वो ऐसे UNO के महासचिव हैं जिनकी मृत्यु जो है वो काहे से हुई थी आपकी, हवाई दुर्घटना में हुई थी, जिनकी मृत्यु जो है वो हवाई दुर्घटना में हुई थी। तो इसको कैसे याद रखेंगे हम, ये हमको ही भूल जाता था। तो हमने कोड कैसे बनाया, तो हैमरसोल्ड के आगे क्या आ रहा आपका? हा आ रहा है ना। तो हा से हवाई जहाज बना देंगे हम, हा से हवाई जहाज, माने हवाई जहाज दुर्घटना में जो है किसकी मृत्यु हुई? हैमरसोल्ड की। तो हैमरसोल्ड के पहले जो आपका हा आ रहा है उससे हम हवाई जहाज याद रखें कि हवाई जहाज में दुर्घटना हुई। तो इस तरह से हमको ये क्वेश्चन जो है वो याद रहेगा और हमसे बन जाएगा। चलिए अगला हम चलते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका यही बनता है कि UNO के वर्तमान महासचिव कौन है, तो कौन है आपके? एंटोनियो गुटेरस, है ना, एंटोनियो गुटेरस। और ये किस देश के हैं? तो ये आपके पुर्तगाल के हैं। तो जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको कि एक परंपरा सी है कि जो भी UNO का महासचिव होगा वो किसी छोटे मुल्क का होगा, किसी छोटे देश का होगा। तो उसको भी देख लीजिए आप, ये आता है क्वेश्चन। और जो महासचिव होता है उसका कार्यकाल कितना होता है, तो हमने बताया था पहले भी, कितना होता है? 5 वर्ष होता है। और कोई व्यक्ति जो महासचिव है यदि उसको दोबारा चुना जाता है तो दोबारा भी वो महासचिव बन सकता है। चलिए हम आगे चलते हैं। तो अब हम बात करते हैं महासचिव का चुनाव किस तरह से होता है, कोई व्यक्ति महासचिव किस तरह से बनता है। तो इसका चयन जो है वो कौन करती है? महासभा करती है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग है महासभा। और किसकी सिफारिश पर? सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर जो है महासभा द्वारा जो है वो महासचिव का निर्वाचन या चुनाव किया जाता है। फिर चलिए हम आगे चलते हैं। तो इससे भी क्वेश्चन बनते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या करता है कि वर्षों को जो है वो किसी न किसी विशेष वर्ष के रूप में घोषित करता है। तो हमने 2 वर्ष ले रखे हैं, एक तो आपका 2021 और 2022। तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2021 को जो है वो किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो वो है आपका सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था, सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था। इसी प्रकार से 2022 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो थोड़ा लंबा चौड़ा वर्ष है ये, जैसे अंतर्राष्ट्रीय कारीगर
मत्स्य पालन, जलीय कृषि और कांच के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में जो है वो किसको 2022 को यूएनओ द्वारा घोषित किया गया है। चलिए हम आगे चलते हैं। तो ये हमने ऐसा पहले ही बताया था आपको वीडियो में, है ना, क्लास में, कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 मुख्य अंग हैं और इसके अलावा बहुत सारे, है ना, उनकी आप गिनती नहीं कर सकते। तो बहुत सारे जो है वो आपके कौन से सहायक या सहायक संगठन या अभिकरण हैं। तो चलिए हम उनको देखते हैं। तो हमने कुछ ले रखे हैं, जैसे कि पहला हमने सहायक अभिकरण ले रखा है, वो है संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन। क्या है? संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, इसको संक्षेप में क्या बोलते हैं? FAO। क्या बोलते हैं? FAO। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 16 अप्रैल 1945 को। और इसका मुख्यालय एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। तो मुख्यालय कहाँ पे है आपका? रोम में है। मुख्यालय कहाँ पे है? रोम। और रोम कहाँ पे है आपका? इटली में है। रोम जो है वो इटली का एक नगर है। अब इसका संक्षेप नाम क्या बताया हमने? FAO। तो F से क्या होता है आपका? फूड। A से होता है आपका क्या? एग्रीकल्चर। O से आपका ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो फूड, तो अगर हम अपने लिए फूड की बात करें तो सबसे बड़ा हमारा फूड क्या है? सबसे बड़ा हमारा फूड क्या है? रोटी है। तो रोटी से हम इसका मुख्यालय याद रख सकते हैं। तो रा से रोटी रा से रोम। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? रोम, इटली में है। और इसका उद्देश्य क्या है? विश्व स्तर पर, है ना, कृषि एवं पोषण स्तर में सुधार करना। विश्व स्तर पर कृषि एवं पोषण स्तर में जो है वो सुधार करना। चलिए हम आगे देखते हैं। तो अगला हमारा संगठन है आपका विश्व बैंक, है ना। तो दुनिया का भी एक बैंक है विश्व बैंक, जो है वो दुनिया का भी एक बैंक है। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1945 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुख्यालय का एग्जाम में पूछा गया है, मुख्यालय कहाँ पे है आपका? वाशिंगटन में है ना, वाशिंगटन। और वाशिंगटन कहाँ पे है आपका? अमेरिका में है। वाशिंगटन कहाँ पे है? अमेरिका में है। और इसका उद्देश्य जो है, उसका उद्देश्य है उत्पादन एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजी के विनिमय को प्रोत्साहित करना। क्या करना? प्रोत्साहित करना। चलिए अगला संगठन हम लेते हैं। शांत बैठो, ज़्यादा हल्ला गुल्ला नहीं है ना, खिसका रहो बेंच बराबर खटाखट, ऑनलाइन पिटाई होगी फिर यहीं पे सामने। तो अगला है आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसको संक्षेप में क्या बोलते हैं? IMF। तो IMF का फुल फॉर्म क्या हो गया? आई से इंटरनेशनल, एम से मॉनेटरी और एफ से फंड। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और चलिए हम देखते हैं इसका गठन कब हुआ था। तो 1945 में, माने जिस वर्ष आपका विश्व बैंक का हुआ था उसी वर्ष जो है वो इसका भी स्थापना हुई थी। और इसकी भी स्थापना 1945 है, किसकी? FAO की। तो जो शुरुआती तीन है उनकी स्थापना कब हुई, गठन कब हुआ? 1945 में। और इसका मुख्यालय जो है वो वाशिंगटन में है। तो इस तरह विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन में है, उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय भी जो है कहाँ पे है? वाशिंगटन में है। और इसका उद्देश्य जो है वो विभिन्न देशों के मध्य, है ना, विभिन्न देशों के मध्य मौद्रिक सहयोग, मौद्रिक माने पैसे रुपये वाली बात, मौद्रिक माने पैसा रुपया वाली बात, मौद्रिक सहयोग एवं व्यापार का संतुलित विकास करना। क्या है? मौद्रिक सहयोग एवं विकास, मौद्रिक सहयोग एवं व्यापार का संतुलित विकास करना। चलिए अगला संगठन हम देखते हैं। अगला संगठन आपका अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ, इसको संक्षेप में बोलते हैं ITU, है ना, ITU। तो इसका फुल फॉर्म भी हम देख लें क्योंकि कई एग्जाम में फुल फॉर्म आता है आपका। तो आई का मतलब क्या हुआ? इंटरनेशनल। आई का इंटरनेशनल, टी का मतलब क्या हुआ? टेली कम्युनिकेशन। और यू का मतलब होगा यूनियन, है ना। तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ ITU, इसका गठन हुआ था आपका 1965 में। और इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है? जिनेवा। तो जिनेवा एक बहुत ही खूबसूरत प्राकृतिक नगर है, है ना, कश्मीर की तरह वादियाँ हैं वहाँ पे, तो एक बहुत ही सुंदर है। तो ज़्यादातर अंतर्राष्ट्रीय संघों के मुख्यालय जिनेवा में है।
तो एक ट्रिक हम कभी कभी ये भी देते हैं कि अगर किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय पूछा गया है आपसे और आपको अगर नहीं बन रहा वो, और अगर विकल्प में कहीं पर जिनेवा है ना, तो जिनेवा को आप लगा देंगे तो सही होने की संभावना जो 60-70% सही होने की संभावना आपकी बन जाएगी। और अगला हम देखते हैं इसी में, तो उसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य दूर संचार के क्षेत्र में जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित करना, दूर संचार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित करना। फिर चलिए अगला संगठन हम देखते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण संगठन है आपका, वो कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, इसको बोलते हैं संक्षेप में IFAD। तो इसका फुल फॉर्म हम देख लें, आई से क्या बन जाएगा आपका इंटरनेशनल, एफ से क्या बन जाएगा, एफ से फंड, और ऑफ ए से एग्रीकल्चर, डी से डेवलपमेंट। तो क्या कह सकते हैं, इंटरनेशनल फंड ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, माने हिंदी बोलेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष। तो इसका गठन हुआ था 1976 में, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है आपका, रोम है, और रोम कहाँ पे है आपका, इटली का एक नगर है, रोम जो है इटली का एक नगर है। और इसका उद्देश्य जो है वो क्या है, विकासशील देशों में निम्न वर्गों को, है ना, जो विकासशील देश हैं वहाँ पे जो निम्न वर्ग हैं तो उन्हें को जो है वो खाद्य उत्पादन एवं पोषाहार के साधन जुटाने में जो है वो हेल्प करना, मदद करना। तो अभी हमारा ये टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है, तो अभी बहुत सारे संगठन हैं, कम से कम 10-15 संगठन इम्पोर्टेंट हैं, वो हम बताएंगे आपको। तो अभी हमारी क्लास चलेगी, और आज धनतेरस है, तो धनतेरस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और कल से हमारी जो है वो छुट्टी हो रही है, दीपावली छुट्टी हो रही है, तो आप सभी को दीपावली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएँ, मौज मस्ती करें और उसके बाद फिर पढ़ाई में जुट जाएँ। तो मैं RK सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, अगले वीडियो तक, छुट्टी के बाद 2-3 दिन गैप होगा, हो सकता है बीच में आपको हमारे यूट्यूब चैनल में कुछ अन्य तरह के वीडियो मिले, तो उसका भी आप लोग इन्जॉय करिएगा। और कुछ दिनों बाद आपको जो है वो फिर ये पढ़ाई के वीडियो मिलने लगेंगे। तो चलिए विदा लेते हैं, अगले क्लास तक नमस्कार, धन्यवाद।